सब्सक्राइब कीजिए लॉ कैप्सूल को और बेल आइकन को दबाइए इंडिया में चल रहे दिन प्रतिदिन कानून की जानकारी लेने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के कुछ ऐसे कानूनों के बारे में जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुने होंगे, जो हो सकते हैं आपके लिए और आपकी फैमिली मेंबर्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी। और तो और, इस वीडियो में हम ऐसे ऑफेंसेस के बारे में भी बात करेंगे जो पुलिस के सामने होते हैं और फिर भी पुलिस वालों को इन अपराधों की कोई भी जानकारी नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला कानून आता है कि अगर आप भी इंडिया के अंदर कोई भी जमीन खरीदते हैं, यानी कि अगर आप एक जमीन के ओनर हैं, तो उस केस के अंदर सरकार द्वारा आपकी जमीन को कभी भी अधिग्रहित किया जा सकता है, यानी कि सरकार द्वारा आपकी जमीन को कभी भी लिया जा सकता है, बेशक आप उस लैंड के ओनर ही हैं। अगर आपने भी कोई जमीन खरीदी है तो आप उस जमीन के मालिक तभी तक खिलाएंगे जब तक कि सरकार चाहेगी, यानी कि अगर सरकार चाहे तो आपसे आपकी जमीन कभी भी ले सकती है और आप सरकार को जमीन देने से मना नहीं कर सकते हैं। और नए कानून के हिसाब से अगर आपसे सरकार जमीन लेती है तो उसके बदले आपको मुआवजा भी देती है, यानी कि हर्जाना भी देती है, कुछ पैसे दे देती है। लेकिन कुछ टाइम पहले की बात करें तो सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को कोई भी हर्जाना नहीं दिया जाता था। तो चलिए दोस्तों, जो अगला कानून है वो बात करता है चाइल्ड अडॉप्शन के ऊपर, यानी कि अगर इंडिया के अंदर किसी भी व्यक्ति को एक बच्चे को गोद लेना है तो किन किन केसेस के अंदर ले सकता है और किन केसेस के अंदर नहीं ले सकता। अगर इंडिया के अंदर कोई भी एक अनमैरिड आदमी है तो उस केस के अंदर किसी भी लड़की को गोद नहीं ले सकता है। हालांकि अगर बात करें एक किसी भी लड़के की तो वो किसी भी लड़के को गोद ले सकता है। अगर इंडिया के अंदर कोई भी एक मैरिड कपल्स हैं तो उस केस के अंदर किसी भी लड़की को गोद ले सकते हैं और किसी भी लड़के को गोद ले सकते हैं। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट ये कहता है कि अगर इंडिया के अंदर कोई भी मैरिड कपल्स हैं, अगर उनके पास ऑलरेडी एक लड़का है और फिर वो किसी भी बच्चे को गोद लेने की सोचते हैं तो फिर वो किसी भी दूसरे लड़के को गोद नहीं ले सकते हैं। और सेम केस होता है लड़की के साथ, अगर इंडिया के अंदर कोई भी मैरिड कपल्स के पास ऑलरेडी एक लड़की है और फिर वो गोद लेना चाहते हैं दोबारा एक लड़की को, तो फिर वो एक लड़की को गोद नहीं ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला जो कानून है वो बात करता है डेंटिस्ट एक्ट के ऊपर 1948। इस एक्ट के अंदर ये लिखा है कि अगर सड़क किनारे कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को दांत सही करता है या कानों के अंदर से मैल निकालता है तो इस चीज को इंडिया के अंदर अपराध माना जाता है और ऐसा करने पर किसी भी व्यक्ति के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अगला जो इंडिया का कानून है वो बात करता है राइडिंग के ऊपर, यानी कि अगर इंडिया के अंदर आप भी कोई बाइक या कोई भी कार चलाते हैं, अगर आपका एक दिन के अंदर कोई भी चलान होता है तो फिर उस सेम इंसिडेंट के ऊपर, यानी कि सेम ऑफेंस के ऊपर 24 घंटे के अंदर दोबारा चलान नहीं हो सकता। यानी कि 24 घंटे के अंदर अगर एक ऑफेंस को लेकर आपके ऊपर चलान किया गया है तो फिर दोबारा आपके ऊपर उस सेम ऑफेंस का कोई भी चलान नहीं हो सकता। और आपको इस चीज की हैरानी होगी कि ये सब ऑफेंस पुलिस के सामने होते हैं और पुलिस को इन सब अपराधों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है।